पाठ 16 चू चू करती आई चिड़िया एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी पर्यावरण। इस सभी पाठ के देखिए नई पुस्तक का आज हम आंसर देखने वाले हैं 2023-24 के लिए आपको जो नई पुस्तक आई है। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए बच्चों आपका इस प्रकार से पहले सबसे पहले क्वेश्चन देता है निम्न में से कौन सा पक्षियों का समूह है। तो देखिए आपके चार ऑप्शन है मोर उल्लू गिलहरी गौरैया तोता फाख्ता चूहा उल्लू कोयल मक्खी तितली और तोता। तो देखिए उत्तर में आपको लिख देना है गौरैया तोता और फाख्ता। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ब नंबर। ब नंबर पर देखिए पक्षियों को संख्या में कमी होने कारण क्या है। तो देखिए आपको लिखना है पक्षियों का संरक्षण है जानवरों की संख्या में वृद्धि है शिकार एवं पेड़ पौधे की कटाई है या फिर पेड़ों की संख्या में वृद्धि। तो उत्तर देखिए लिखना है शिकार एवं पेड़ पौधे की कटाई। इसके बाद चलते हैं स नंबर पर। तो यहाँ पे क्या दिया है स नंबर पर देखिए प्राचीन समय में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग करते थे। तो आपको उत्तर देखिए आपका कबूतर लिखना है। गिजू भाई बधेका किस राज्य से थे। तो उत्तर में आपको देखिए पे गुजरात लिखना है। क्वेश्चन देखते हैं आपका इसमें देखिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन। तो लिखा है किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन तीसरा कोयल किस पक्षी के घोंसले में अंडा देती है। तो कोयल पक्षी के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है यहाँ पे आपको जो अन्य पक्षी होते हैं जैसे कौवा होता है तो यहाँ पे ये पूछा ना किस पक्षी में तो आपको देखिए कौवा पक्षी आपका जो कौवा के घोंसले में अंडा देती है। इसके बाद चौथा देखिए क्या दिया है पक्षियों के छोटे बच्चे उड़ नहीं सकते तब घोंसले में बच्चों के भोजन कौन देता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है जो पक्षी बच्चे उड़ नहीं सकते उन्हें उनकी माँ खाना खिलाती है। क्वेश्चन पांचवा पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। तो पक्षी अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि अंडे और देखिए कोई चुरा ना ले और वह अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके। तो आपको इस प्रकार आंसर जो है लिख देना है। क्वेश्चन देखिए छः पक्षियों के दुश्मन कौन कौन से हैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो पक्षियों के कई दुश्मन हैं जैसे मनुष्य हो गया और दूसरे जानवर जैसे आपका देखिए कौन कौन से हैं कौवा हो गए बिल्ली हो गए चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है सातवां यदि आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से भोजन यहाँ पे देखिए खा सकोगे। देखिए तो यदि हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम यहाँ पे किस प्रकार से महीन और तरल भोजन ग्रहण करते हैं जैसे आपका दलिया होता है। ठीक है क्वेश्चन देखिए आठवां पक्षी अपने चोंच का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। तो पक्षी अपना चोंच का उपयोग जो है घोंसला बनाने खाना खाने वह अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं अपने पक्षी घोंसला कहाँ बनाते हैं इनका उपयोग लिखिए। तो ये देखिए कौवा कहाँ बनाता है पेड़ की ऊंची डाल पर गौरैया देखिए कहाँ बनाते हैं अलमारी के ऊपर बीबर कहाँ बनाती है पेड़ की टहनियों पर और पुराने मकान खंडहरे में कबूतर बनाती है शक्कर कहाँ बनाती है शक्कर खोरा किसी छोटे बड़े पेड़ की डाली पर। और देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ये लिखा है जो घोंसले का उपयोगी चीज़ें क्या है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएँ पत्ते पंख और घास घास के महीन आपका देखिए तिनके और पंखे पंख और घास। इस प्रकार से आपको देखिए ये भी आंसर कर लेना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूरा आगे लिखिए यहाँ पे कोयल का देखिए घोंसला तो बनाती नहीं है कौवे को उसमें रखती है ना तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां आता है देखिए चित्र में दिए गए पक्षियों के पंजों को पहचान कर पक्षी का नाम और पंजे किस काम में उपयोग में आता है लिखना है। तो देखिए जैसे आपका ये पंजा किसका है ये गिद्ध का पंजा है उपयोग शिकार पकड़ने के लिए आता है। दूसरा देखिए क्या दिया है इसमें गौरैया है ये का जो है और इसका उपयोग टहनियों को पकड़ने के लिए। तीसरा देखिए दिया है कौवा का ये किसका पैर है कौवा का है और ये पेड़ पे चढ़ने के लिए होता है। इसके बाद देखिए चौथा ये क्या है बतख का आपका पैर है इसमें लिखना है पानी में तैरने के लिए। ठीक है चलिए आंसर हो गया। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए पक्षियों को पहचान कर उनके नाम और उनकी चोंच के कार लिखना है। तो देखिए क्या है आपका ये आपका टिटहरी है और इसके चोंच का कार क्या है देखिए कीचड़ में छानबीन करके खोद कर निकालने के लिए। दूसरा देखिए क्या लिखा है इसमें शक्कर खोरा का चित्र है। ठीक है इसमें लिखना है फूलों का रस आपका यहाँ पे करने के लिए। तीसरा देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है इसका हो गया ना आपका चोंच का क्या है फलों का रस चूसने के लिए। तीसरा आपको जो दिया गया है ये दिया है देखिए तीसरा कौवा तो कौवा देखिए क्या करना है काटने के लिए। और चौथा देखिए यहाँ पे ये किसका है चील का इसका लगना है मांस चीलने और फाड़ने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका स नंबर आता है इसमें निम्न जानवरों के दांतों के बारे में लिखना है। गाय के दांतों के बारे में देखिए क्या लिखना है गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए। यहाँ पे बिल्ली में देखिए बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांपों के दांत आपका देखिए नुकीला होते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है गिलहरी का तो गिलहरी का आपको उत्तर लिखना है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसके बाद देखिए
पाठ आता है 17। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय। वो है